तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ है। अरे बुरा हुआ क्या, बुरा तो अब होगा। क्या मतलब? अरे भाई मार्क्स ऐसे ही घटते रहे तो पता है ना क्या होगा, फेल हो जाएगा तेरा स्टूडेंट। आज एक स्टूडेंट फेल हुआ है, कल दूसरा स्टूडेंट फेल हो जाएगा। हाँ, कल दूसरा स्टूडेंट फेल होगा, परसों तीसरा स्टूडेंट फेल होगा। ये तो होगा क्या? हाँ भिड़े मास्टर, ऐसा हो सकता है। हाँ धर्म, ऐसा एक के बाद एक स्टूडेंट फेल होता रहा ना तो तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। फिर कौन माँ बाप ट्यूशन के लिए अपने बच्चों को तुम्हारे पास भेजेंगे? नहीं, कोई नहीं भेजेगा भाई, कोई नहीं भेजेगा। अरे तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? समीर का रिजल्ट और बेहतर हो सकता है। तो कैसे हो सकता है भिड़े, कोई चांस ही नहीं है। भाई तुम ही ने अभी बोला ना कि पिछली बार भी उसके मार्क्स कम आए थे तो तुमने उसे पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहा, लेकिन क्या हुआ, इस बार भी मार्क्स कम ही आए ना। ये ढलान वाला रास्ता है, एक बार जो इसमें फिसला तो फिसलता ही चला जाता है। अरे ऐसा मत बोलो मेहता साहब, आप सब मिलकर मुझे डरा क्यों रहे हो? आत्माराम, हम तुमको डरा नहीं रहे, वो क्या बोल रहे, धागा कर रहे हैं। अरे धागा नहीं है यार भाई, आगा आगा कर रहे। नहीं जेठल, आगा नहीं आगा कर रहे। समझा जेठल? हाँ मैं समझा भाई, आप समझ लो, वरना दूसरी बार आप धागा की जगह भागा झागा कुछ भी बोले। मैं समझ गया, ठीक है गुड। तो फिर भिड़े, हम तो सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहे हैं ताकि तुम इस बात के लिए मेंटली तैयार रहो। आगाह। आजकल के स्टूडेंट्स का पढ़ाई में इंटरेस्ट ही कम हो गया, इसमें तू क्या कर सकता है यार। हाँ द्वारा, तुम कितना भी पढ़ाना चाहो लेकिन सामने वाला स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता तो तुम क्या कर सकता है। सही बात है भिड़े मास्टर, ये आजकल के सारे बच्चे ऐसे ही हैं। भाई मैं तो कहता हूँ अभी तू है ना धीरे धीरे ये ट्यूशन का जो है ना वो थोड़ा कम करके बंदी कर दे। हाँ और कोई नई लाइन पकड़ ले। अरे नई लाइन पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, तेरे पास तो पहले से ही दूसरी नई लाइन है। कौन सी? अरे आचार पापड़ की भाई। अरे हाँ, मैं तो कहता हूँ आचार पापड़ की दुकान खोल ले, और चाहिए तो दुकान चलाने में मैं मदद करूंगा तेरी। हाँ, और मैं तूफान एक्सप्रेस में तेरे दुकान की एड फ्री में छाप दूंगा। अरे बहुत बढ़िया। एक मिनट पोपटलाल, तुमने तूफान एक्सप्रेस खरीद लिया, मालिक बन गए तुम? नहीं क्यों? तो फिर पगारदार पत्रकार होके तुम फ्री में इसकी जाहिर खबर कैसे छापोगे? नहीं छाप सकते, लेकिन अपने भिड़े के लिए मैं हमारे वो जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं ना उसमें से एक आधा फ्री में छपवा सकता हूँ। भिड़ो, और तेरा काम तो बन गया। जेठा भरा तुझे दुकान चलाने में मदद कर देंगे और अपना पोपू तेरी ऐड चलवा देगा। हाँ और आतिफ भाई होलसेल में तेरा माल खरीद लेंगे। हाँ जेठा भाई, होलसेल में इतने सारे आचार पापड़ का मैं क्या करूँगा? अच्छा तो ठीक है, आप खाली बोनी कर देना, होलसेल में थोड़ा माल मैं उठा लूंगा और मेरी दुकान में स्कीम रख दूंगा, तो टीवी वॉशिंग मशीन फ्रिज के साथ अचार पापड़ फ्री। हाँ ये सही बात है। वैसे जेठा भाई दुकान का नाम क्या रखेंगे? ये दुकान का नाम तो माधवी भाभी के नाम पे होना चाहिए। हाँ मेन तो वही है। बराबर। अरे क्या बराबर, तुम लोग क्या बोल रहे हो कब से भाई? हाँ ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, ऐसे कोई बात करते है भला? अरे तुम लोग मेरे दोस्तों के क्या हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समीर के मार्क्स बेहतर बनाने के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन आप एक बात सुन लीजिए कि मैं ट्यूशन बंद करने वाला नहीं हुआ। मतलब तुम लोग मजाक उड़ा रहे थे मेरा? तेरा मूड जरा हल्का फुल्का करने के लिए, लेकिन तू तो सच में डर गया। तो डरूंगा नहीं तो और क्या जेठालाल भाई, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे, ऐसा कोई मजाक करता है क्या? अरे बड़े यार, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुम क्यों डरते हो? तुमसे अच्छा शिक्षक तो पूरे जमाने में नहीं मिलेगा भाई। हाँ पिड़ो, और तेरे जैसा शिक्षक जो अपने स्टूडेंट्स के एक एक मार्क्स की चिंता करे, वो खाना खाने के बाद सोडा पीना भी भूल जाए, वो ऐसा शिक्षक का जो स्टूडेंट है वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। और भिड़े तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सब तो चलता रहता है भाई जीवन में। कभी कोई बहुत बढ़िया स्टूडेंट मिल जाता है, कभी कोई ऐसा स्टूडेंट भी मिल जाता है जो कमजोर हो। हाँ हाँ यारा, चलो चलो घर चलिए। चलो भाई ये वो टीवी का लॉट आता है उसमें एक खराब भी निकलता है भाई। अरे भाई मार्क्स ऐसे ही घटते रहे तो पता है ना क्या होगा, फेल हो जाएगा तेरा स्टूडेंट। आज एक स्टूडेंट फेल हुआ है, कल दूसरा स्टूडेंट फेल हो जाएगा। ऐसा एक के बाद एक स्टूडेंट फेल होता रहा ना तो तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। फिर कौन माँ बाप ट्यूशन के लिए अपने बच्चों को तुम्हारे पास भेजेंगे? कोई नहीं भेजेगा भाई, कोई नहीं भेजेगा। ट्यूशन का जो है ना वो थोड़ा कम करके बंदी करके हाँ और भाई नई लाइन पकड़ ले। मैं तो कहता हूँ आचार पापड़ की दुकान खोल ले और चाहिए तो दुकान चलाने में मैं मदद करूंगा तेरे। और मैं तूफान एक्सप्रेस में तेरे दुकान की एड फ्री में छाप दूँ। हाँ और आती भाई होलसेल में तेरा माल खरीद लेंगे। ये दुकान का नाम तो माधवी भाभी के नाम पे होना चाहिए। हाँ मेन तो वही है बराबर। अरे दरवाजा खोलो। नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, दरवाजा खोलो। हाँ भिड़े दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। चलो बात करते हैं, क्या लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? कैसे बात करना पड़ेगा? ये सब नहीं चलेगा, बात करते भिड़े और बात करते क्या लगा रखा है ये? अरे ये आप लोग एक साथ क्या हो गया? सवाल पूछना बंद करो और हमारी बात का जवाब दो। ये तो समीर का रिजल्ट है ना? ये मेरे बच्चे का रिजल्ट ही है और वो फेल हुआ है। ये देखिए ये हमारी बच्ची का रिजल्ट है और वो भी फेल हो गई है। मेरी बेटी फेल हो गई है। हम सभी के बच्चे फेल हुए हैं। हम सभी के बच्चे फेल हो गए हैं। और इसका मतलब ये है कि तुमने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। अरे नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मेरी बात समझने का मौका दीजिए। पहले हमारी बात का जवाब दीजिए, हमारे बच्चे फेल कैसे हो गए? क्या पढ़ाया आपने इन्हें? मैंने पढ़ाया, इनको बिल्कुल पढ़ाया है और मैंने इनको समझाने की कोशिश की, मेहनत करो मेहनत करो, लेकिन अगर उन्होंने मेहनत नहीं की तो मैं क्या कर सकता हूँ? माधवी तुम भी कुछ बोलो ना। ये बच्चों को रोज समझाते थे लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों पे असर नहीं हुआ है। बच्चों को दोष देने की कोशिश मत करो भिड़े सर। बच्चे तो गलतियाँ करते ही है, बच्चों की गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। ये आपका काम था, आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने नहीं निभाई। आप अपने काम में फेल हो गए और हमारे बच्चे पढ़ाई में। बच्चों को पढ़ाना अगर नहीं आता है तो बंद करो ये भिड़े क्लासेस। नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, भिड़े क्लासेस बंद नहीं होंगे, भिड़े क्लासेस बिल्कुल बंद नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, भिड़े क्लासेस कभी बंद नहीं होंगे। अहो, उठा काय झालं? सपना देखा आपने? हाँ माधवी, मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए। हाँ और सभी पेरेंट्स घर पे आए और वो बोल रहे कि भिड़े क्लासेस बंद कर दो। काय गो भाई? सभी पेरेंट्स मुझे दोष दे रहे थे माधवी। आपको? हाँ और एक तरह से दोष तो मेरा ही है ना। आपका कैसे दोष हुआ इसमें? सपना था, सपना समझकर भूल जाइए। नहीं माधवी सपने में ही सही लेकिन स्टूडेंट्स अगर फेल होते तो दोष तो शिक्षक का ही होता है ना। और जिस हिसाब से समीर के मार्क्स कम हो रहे हैं इस सपने को हकीकत बनने में देरी नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, चलिए आप उठिए फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं मुझे चाय नहीं चाहिए, बस मैंने तय कर लिया कि मुझे क्या करना है। क्या? मैं अभी के अभी समीर के घर जाऊंगा, उसके पेरेंट्स को मिलूंगा और उन्हें कहूंगा कि समीर को पढ़ाने की जिम्मेदारी अब मैं नहीं लूंगा। उनकी जितनी भी फीस है मैं वापस लौटा दूंगा और बाकी सारे स्टूडेंट्स के घर भी जाके आऊंगा। ओके बड़े आदमी तुम्हें, ऐसा जल्दबाजी में फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में नहीं माधवी, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, अब मुझे यही करना पड़ेगा। अभी कभी तैयार होकर निकलता हूँ मैं। ओह आयका माजा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आयका ना मेरी बात तो काय झाला है? अरे देख ना तेरे बाबा, वो समीर है ना इनका स्टूडेंट, उसको कम मार्क्स आए तो ये टेंशन में आ गए हैं। क्या? हाँ ठीक है आई, तुम्हें तो पता ही है ना बाबा हर छोटी छोटी बात का टेंशन लेते रहते हैं। इट्स ओके। ये नॉर्मल टेंशन नहीं है, अगर ये कह रहे हैं कि समीर के घर जाकर उनके मम्मी पापा को बोल देंगे कि समीर को पढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनकी नहीं है। क्या? हाँ, बाबा ऐसा नहीं कर सकते आई। अगर इतना ही नहीं, ये तो समीर की फीस भी वापस लौटाने की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। इट्स ओके आई, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है आई? ये समीर के परसेंटेज का ग्राफ। ये मिटाई देती हो, इनके आंखों के सामने रहेगा ना तो और टेंशन लेंगे ये। माधवी, मैं समीर घर जाके आता हूँ। आहो, मी काय म्हणते, ऐका ना, मेरी बात तो सुनिए। माधवी, मैंने कुछ डिसाइड किया है तो मुझे करने दो, प्लीज टोको मत, प्लीज। पर मेरी बात तो सुनिए एक बार। चाबी रह गई। आहो बाबा, आहो ऐका। आज चाहे जो हो जाए, ये निर्णय तो मुझे लेना ही पड़ेगा। समय की फीस वापस लौटा के आऊंगा, मैं नहीं पढ़ा सकता अभी उससे। क्या भाई, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? अरे वो गोकुलधाम सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी जी जेठालाल, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हुआ। अरे मजाक कौन कर रहा है भाई, मुझे तुझसे काम की बात करनी है। ठीक है तो बात भी करते हैं। अरे देख तो सही, मेरे पास तेरी पसंदीदा चीज है। जेठालाल, ना ही मुझे कुछ देखना है ना ही मुझे कुछ सुनना है। हाँ, अरे भाई ये मैं जो तुझे दिखाना चाहता हूँ ये तू देखेगा ना तो खुशी के मारे उछल पड़ेगा। जेठालाल, अभी मैं उछलने के मूड में भी नहीं हूँ भाई। अरे मेंटेनेंस का चेक लाया हूँ। अरे सुना कि नहीं, मेंटेनेंस का चेक। हाँ सुना मैंने जेठालाल। माले, मेरा चेक एक दिन भी आगे पीछे होता है तो खुद आगे पीछे हो जाता है, हजारों ताने मारता है। अभी मैं टाइम के पहले तुझे चेक दे रहा हूँ तो तू लेने को तैयार नहीं है। जेठालाल, बाद में दे देना भाई, अभी मैं नहीं रुक सकता। बाद में मिलते हैं, चलो। चेक बाद में ले जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ए भाई, ए भिड़े, ए मेंटेनेंस चेक, ए। भिड़े को क्या हो गया? मेरा मेंटेनेंस का चेक ठुकरा के चला गया। लगता है कोई बहुत बड़े टेंशन में है। संदीप जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे भिड़े सर, भिड़े सर आप। अरे आइए आइए भिड़े सर, बैठिए बैठिए। नहीं ठीक है। सुबह सुबह आप अचानक से, सब ठीक तो है ना? नहीं सब ठीक नहीं है संदीप जी। मतलब ये कि मैं समीर के बारे में बात करने आया हूँ। समीर के बारे में? दिन ब दिन समीर के मार्क्स कम होते जा रहे हैं और इस बात का मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। एक्चुअली हमें भी समीर की पढ़ाई की बहुत चिंता है। हमने देखा उसका रिजल्ट, इस बार तो उसके मार्क्स पिछली बार से भी कम आए हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। क्या वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है? पढ़ाई तो वो करता है, लेकिन आजकल वो अपना होमवर्क असाइनमेंट कुछ कंप्लीट नहीं करता। और जब भी मैं उसको इसके बारे में डांटता हूँ तो बोलता है कि नहीं मैं अगली बार से पक्का करके आऊंगा। अभी है कहाँ वो? वो अपने कमरे में होमवर्क कर रहा है। क्या मैं मिल सकता हूँ उसे? हाँ हाँ आइए आइए। ये देखो, होमवर्क करने की बजाय फिर सब मोबाइल पे लगा हुआ है। खबर लेता हूँ इसकी। नहीं संदीप जी रहने दीजिए, हम जरा बात करते हैं, आइए। देखा ना आपने, होमवर्क के नाम पे वो गेम्स खेल रहा है मोबाइल पे, इसीलिए उसके मार्क्स कम हो रहे हैं। देखिए मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आइंदा से मैं समीर को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। क्या? नहीं नहीं आप ऐसा मत करिए बेटे सर, चाहिए तो आप डबल फीस ले लीजिए। डबल फीस की बात ही नहीं है संदीप जी, उल्टा आपने जो मुझे फीस दी है वो मैं लौटाने आया हूँ, ये लीजिए। नहीं नहीं बेटे सर, ये आप क्या कह रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज। संदीप जी करना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है कि इस टेंशन में रात भर सो नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा। नहीं नहीं भिड़े सर ऐसा मत कहिए। नहीं नहीं देखिए आप प्लीज ये पैसे वापस ले लीजिए, मैं अभी समीर को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लीजिए। प्लीज डोंट डू इट प्लीज। हम जानते हैं कि माँ बाप होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, पर काम में बिजी होने की वजह से नहीं कर पाते और इसीलिए तो हम समीर को आपके पास लेकर आए थे। हमने आपका बड़ा नाम सुना था और बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा था। भिड़े जी, मैं जानती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई शिक्षक है जो समीर के मार्क्स को बेहतर करने में उसकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। अगर कोई शिक्षक उसकी बुरी आदतों को छुड़वा सकता है तो सिर्फ आप हैं। अब हमारे समीर का भविष्य आपके हाथ में है भिड़े जी, प्लीज। अगर शिक्षक होकर आप ही हार मान गए तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे बच्चे के भविष्य का क्या होगा? प्लीज भिड़े सर, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए प्लीज। समस्या की तह तक गए बिना पूरा दोष का डोबला अपने सर पे ले लेना, ये तो गलत बात है ना भाई। आज के दौर में बच्चे किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर ही नहीं सकते, उनमें एकाग्रता की कमी है और ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन तेरे जैसे शिक्षक को उसका सामना करना है और रास्ता निकालना। ठीक है, मैं ही कुछ रास्ता निकालता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू बड़े सर, थैंक यू। नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है आपको, आपने सही कहा, ये एक शिक्षक ही कर सकता है। अब मैं समीर के प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचूंगा और उसकी आदत बदल के रहूंगा। मैं जानती थी भिड़े जी, सिर्फ आप ही हैं जो ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलता हूँ। मुझे आत्माराम जी पर पूरा भरोसा है, वो समीर के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ हाँ, पक्का भिजवाऊंगी। हाँ डोंट वरी। हाँ फाइनली सबको मना करके आ गया? नहीं, मैं समीर के घर से ही वापस आ गया। वो अच्छा, मतलब सिर्फ समीर के पेरेंट्स को फीस लौटा दिया आपने? फीस लौटाने गया था माधवी, लेकिन नहीं लौटा पाया। मना करने ही गया था लेकिन नहीं मना कर पाया। मतलब? माधवी, मैं समीर के घर पे जाके रूबरू देख के आया हूँ कि समीर घर पे जाके क्या करता है, तो मेरा काम और भी मुश्किल हो गया है। ये समीर घर पे जाके पढ़ाई करता ही नहीं, असाइनमेंट करता ही नहीं है। तो क्या करता है? यही मोबाइल, गेमिंग, इंटरनेट, चैटिंग, इसी में लगा रहता है। ओगो भाई, मुझे इस समस्या का समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। चाचा जी ने बिल्कुल सही कहा था। अरे आजकल के बच्चों के लिए तो मोबाइल, टीवी जैसी कई सारी चीजें हैं जो उनकी पढ़ाई की एकाग्रता को तोड़कर उन्हें अपनी ओर ललचाती। आज के दौर में बच्चे किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर ही नहीं सकते, उनमें एकाग्रता की कमी है और ये सबसे बड़ी चुनौती है। अरे भिंडी मास्टर, तू तो आज के दौर का अभिमन्यु है, तुझे तो बहुत सारे चक्रव्यूह को भेदना है। अभी इस चक्रव्यूह को तो मुझे ही तोड़ना पड़ेगा, लेकिन कैसे कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि ये आज की पीढ़ी की समस्या है, तो इसका इलाज भी आज की पीढ़ी के पास ही होगा ना। क्या मतलब? मतलब आप टप्पू, सोनू और गोली से बात कीजिए ना इसके बारे में, वो जरूर कुछ ना कुछ हल ढूंढ के देंगे आपको। टप्पू, सोनू, गोली? हाँ हाँ, मतलब मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास इस समस्या का समाधान होगा। और ट्राई करके तो देखिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ तीनों से। हाँ सोनू। आहो, वो तीनों एक साथ ही है, गोली के घर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं नीचे जा ही रही हूँ, मैं उनको भेजती हूँ ऊपर। ठीक, उनको बोला इंतजार कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, आप आठवते हैं। हाँ हमारे सबके प्रिय शिक्षक, मेरे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी है, समीर की पढ़ाई की समस्या। सचमुच बहुत बड़ी। समीर का ध्यान रहता है गेमिंग और चैट में और पढ़ाई का सारा समय चला जाता है इंटरनेट में। खैर साहब, ये तो अब हर घर की कहानी है, लेकिन भिड़े जैसे शिक्षकों को ही ऐसे विद्यार्थियों की नैया पार लगानी है। समीर का भविष्य बिगड़ सकता है, इसकी संभावना है प्रबल, इसलिए आज ही निकालना होगा इसका हल। लेकिन कौन निकालेगा इसका हल? लोहा लोहे को काटता है। शायद इसी तरह से आज के बच्चों की समस्या का निदान आज के बच्चे यानी कि टप्पू सेना के पास हो। तो अब देखना है क्या टप्पू सेना इस समस्या का हल निकाल पाएगी, क्या भिड़े को रास्ता दिखा पाएगी, क्या अंधेरे में रोशनी की किरण बन के आएगी। ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.